आज की हम वीडियो में बात करेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग कैसी है, क्या सोच है आपके पार्टनर आपके बारे में, कैसा कनेक्शन है, क्या हो रहा है आपके कनेक्शन में, क्या होने वाला है। कैंडल वैक्स के थ्रू हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, क्या दिखाई दे रहा है हमें कैंडल वैक्स में, सारा बताने वाले हैं। थर्ड पार्टी कब रिमूव होगी, कैसा कनेक्शन आपका रहने वाला है, सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 वीडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो देख लेते हैं कैंडल वैक्स के थ्रू कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, डार्क सीक्रेट्स, नो कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट कब तक होगा, क्या फीलिंग है, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, सब बताने वाली हूँ। देख लेते हैं। ओके, कैंडल हमारी ब्लो हो चुकी है, जल चुकी है। ओके, अब इससे पहले सबसे पहले हम मंत्रा को पानी, जो हमारा जल है उसे पानी को जल में परिवर्तित करते हैं मंत्रों के थ्रू। ओके, हो गया है हमारा जो जल है वो शुद्ध हो चुका है। ओके, अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए कैसी है। नमः सिद्धम ओंकाराय नमो नमः। सब लोग अपने पार्टनर का अपने मन में ध्यान करिए, नाम लीजिए उनका, और जिस गॉड जिस परमात्मा को भी, जिस खुदा को भी आप मानते हैं उनका नाम लीजिए। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, कैसी फीलिंग आ रही है, क्या सोच रहे हैं, और आगे आपके कनेक्शन में क्या होगा, आपके पार्टनर से आपकी शादी होगी या नहीं होगी। और देखिए कैंडल भी हमारी पूरी जल के तैयार हो गई है, अच्छे से जल गई है। बीच में थोड़ा एनर्जी से इसकी भी एनर्जी थोड़ी हाई हो गई है। ओके, तो सबकी एनर्जीज इसमें कनेक्टेड हो जाएंगी। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप सुनेंगे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट जरूर होगी। तो देख लेते हैं नमः सिद्धम ओंकाराय नमो नमः कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। बहुत सारे लोगों के जो सिचुएशन चल रही है, बहुत हार्ट ब्रेकिंग कंडीशन चल रहा है। ओके, टूटा हुआ दिल भी दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा तितर बितर कनेक्शन दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला कनेक्शन दिखाई दे रहा है, एल दिखाई दे रहा है। बहुत सारे पर्सन के जो पार्टनर हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, कुछ लोगों के कनेक्शन बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला चल रहा है, नेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा असर है कुछ लोगों के कनेक्शन में, ये भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि हमारी जो कैंडल है बहुत ज़्यादा एकदम से लाइट ऐसी हो रही है, दिखाई दे रही है। ओके, बहुत सारे लोगों के कनेक्शन एज सच नहीं चल पा रहे हैं, दिल टूटा हुआ है, अपने पर्सन की तरफ जाना चाहते हैं बहुत सारे लोग, पर जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि कोई ना कोई रुकावटें आ रही हैं, फैमिली इशू है, नेगेटिविटी भी है थोड़ी सी। ओके, ये भी दिखाई दे रहा है, पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तितर बितर कनेक्शन हो रहा है, कुछ लोगों का सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, और बहुत ब्राइट कंडीशन दिखाई दे रही है आपके कनेक्शन की, बहुत अच्छा कनेक्शन दिखाई दे रहा है, बहुत प्यार करते हैं आपके पार्टनर आपको, और बहुत ज़्यादा दूरियाँ भी आ रही हैं कहीं ना कहीं। कुछ लोगों के जीवन में थर्ड पार्टी इशू भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, एंड और देख लेते हैं और क्या दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है, बहुत ज़्यादा लो चल रहा है उनके सिचुएशन, एंड बहुत सारे लोग सही करने की कोशिश कर रहे हैं अपना कनेक्शन, पर सही नहीं हो पा रहा है, सेपरेशन चल रहा है। शुरू में बहुत अच्छा कनेक्शन आपका कुछ लोगों का चला था, बट अब बहुत ज़्यादा बेकार कनेक्शन चल रहा है, अच्छा नहीं चल पा रहा है, नो कॉन्टेक्ट इशू चल रहा है, फैमिली इशू चल रहा है, और आपके पर्सन हर चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, मिल उन्हें कुछ भी नहीं रहा है, गॉड की ब्लेसिंग नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से, नेगेटिविटी की वजह से आपका रिश्ता ग्रो आपके पर्सन के साथ नहीं हो पा रहा है, ये भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और देख लेते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं। ओके, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन आपको याद करते हैं, कुछ लोगों का नो कॉन्टेक्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है और बहुत समय से चल रहा है, कुछ लोगों का 2 साल, 1 साल या 6 महीने, 9 महीने और 8 दिन से नो कॉन्टेक्ट चल रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है। और वो अपने, कुछ लोगों का 2 घंटे पहले या 1 घंटे पहले ही नो कॉन्टेक्ट हुआ है उनके पर्सन से, बल्कि लड़ाई हो गई है, कॉन्टेक्ट में है पर लड़ाई चल रही है उनका, उनसे अपने पार्टनर से कॉन्टेक्ट ज़रूर होने वाला है, जल्दी होने वाला है, बट ऐसा हो रहा है कि उम्मीद जा चुकी है कि अब आप मेरे पर्सन दोबारा रियूनियन करेंगे या नहीं, पर जल्दी रियूनियन होने के चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो बहुत अच्छा भी दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। हार्ट, बहुत सारे लोगों के पर्सन उन्हें प्यार करते हैं, शादी तक बात पहुँचाना चाहते हैं, बट एक फैमिली इशू आ रहा है, ठीक है, एक जने की फैमिली नहीं मान रही है, तो आपकी फैमिली नहीं मान रही है शादी के लिए, आपके पार्टनर की फैमिली नहीं मान रही है, ऐसा भी यहाँ पर सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और देख लेते हैं क्या सिचुएशन आ रही है।
नमः सिदम ओंकारे नमो नमः। मेरे पार्टनर की ओके मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग कैसी नज़र आ रही है प्लीज़ बताइए। एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। थैंक्स एंजल्स, थैंक्स यूनिवर्स, थैंक्स एंसेस्टर्स। ओके आपके पार्टनर का दिल बहुत टूटा हुआ है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, रोज भी दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। ओके आपके पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, बैल भी दिखाई दे रहा है कि शादी करना चाहते हैं। ओके घंटी दिखाई दे रही है, घंटी का मतलब होता है कि आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं और जल्दी आपकी शादी आपके पार्टनर से हो सकती है। एकदम से कुछ ना कुछ इस तरह से सिचुएशन बैठ सकती है जिसके थ्रू आपके पर्सन से आपकी शादी हो सकती है। और देख लेते हैं क्या सोच है आपके पर्सन आपके बारे में। बहुत सारे लोग आसपास के बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं जिसकी वजह से आपका और आपके पर्सन का रिश्ता ख़राब हो रहा है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके ओके बहुत सारे लोगों का जो सिचुएशन हो रहा है वो एज सच नहीं चल पा रहा है। कुछ लोगों का जो सिचुएशन है वो एकदम से इम्प्रूव होगा। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किसी मेडिटर को खोज रहे हैं, कुछ लोगों के पर्सन मेडिटर को खोज रहे हैं जिससे उनका रिश्ता उनके पार्टनर के साथ अच्छा हो जाए, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोग मेडिटर को खोज रहे हैं पर हो जाएगा उस मेडिटर के थ्रू, थोड़े टाइम के लिए आपका कनेक्शन अच्छा हो जाएगा, बाद में थोड़ा मतभेद होगा फिर सही हो जाएगा। कुछ लोगों का कनेक्शन में प्यार बहुत ज़्यादा है, इस वजह से आपके प्यार है पर कमिटमेंट नहीं दे पाते आपके पर्सन, ये भी नज़र आ रहे हैं कुछ लोगों के कंडीशन में। ओके ओके प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ गाइड मी क्या कहना चाहते हैं। ओके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कॉन्टेक्ट में कब बदलेगी मेरे व्यूअर्स की ये भी बताइए। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, जल्दी बदलने वाली है, जल्दी आपके नो कॉन्टेक्ट से आपके पर्सन का कॉन्टेक्ट होने वाला है। आसपास के लोगों की वजह से, फैमिली इशू की वजह से आपके पर्सन के साथ आपका नो कॉन्टेक्ट हुआ था, वो कॉन्टेक्ट में ज़रूर बदलने वाला है और जल्दी बदलने वाला है, ऐसा भी यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कब तक बदलेगा प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, कब तक बदलेगा? सात दिन, सात महीने, सात हफ्ते, सात घंटे, या नौ दिन, नौ महीने, नौ हफ्ते, नौ घंटे, या बारह दिन, अट्ठारह दिन, सत्ताईस दिन, तीस दिन, इक्कीस दिन, पच्चीस दिन, छब्बीस दिन और पैंतीस दिन। ओके चालीस दिन के भीतर आपका रियूनियन हो सकता है, या दस साल भी लग सकते हैं, कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम फ्लेम भी दिखाई दे रहा है। ओके बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों का एक साल के भीतर उनके पर्सन के साथ कांटेक्ट हो सकता है। ओके नौ महीने के भीतर भी हो सकता है कुछ लोगों का कांटेक्ट। ओके कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर प्रेग्नेंट भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कुछ लोगों के। ओके अगर आप गर्ल हैं तो आप प्रेग्नेंट भी हो सकती हैं अगर आप मुझे सुन रही हैं। अगर आप बॉय हैं तो आपकी जो पार्टनर है वो प्रेग्नेंट हो सकती है जल्दी, ये भी नज़र आ रहा है। ओके कुछ लोगों का जो लव कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा है अपने पार्टनर के साथ, ये भी नज़र आ रहा है। ओके आसपास के लोगों की वजह से रिश्ता बहुत ख़राब हो रहा है, नेगेटिविटी इशू बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आसपास के लोगों की वजह से रिश्ता बहुत ख़राब हो रहा है आपके पार्टनर के साथ, आपका सही करने की कोशिश कर रहे हैं पर सही नहीं हो पा रहा है। ओके अब उम्मीद छोड़ दी है, कुछ लोग रात भर रोते हैं अपने पार्टनर को पाने के लिए, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं सब कुछ सही हो जाए। ओके बट हो नहीं पा रहा है कुछ। नमः सिदम ओंकार नमो नमः। और क्या गाइडेंस मिल रही है, एंजल्स की गाइडेंस भी पूछ लेते हैं क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स के कनेक्शन में उनके पार्टनर के साथ। नमः सिदम ओंकार नमो नमः। ओके कुछ लोगों का कनेक्शन सुधरने वाला है, जो बिगड़ रहा था वो कनेक्शन सुधरने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है आपके कनेक्शन में। कुछ लोगों का जो कनेक्शन हो रहा है वो बात विवाद की वजह से ख़राब हुआ है, एक दूसरे की मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है कनेक्शन में। वो अगर आप अपने पर्सन से क्लियरली बात करेंगे, अपना थॉट चक्रा सही करेंगे तो उनके आपके पर्सन के साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके तो क्लियर करिए आपके मन में जो भी है, मन में वो दिल में जो भी बात है वो अपने पर्सन से क्लियरली पूछिए, तभी आपका जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी अपने पार्टनर के साथ। और देख लेते हैं क्या संदेश आ रहे हैं। ओके कुछ लोगों का रियूनियन इंस्टेंट हो सकता है, कभी भी हो सकता है आपके पार्टनर के साथ रियूनियन, कभी भी अचानक आपके पर्सन आपके सामने आ सकते हैं कुछ लोगों के जो मेरे सुन रहे हैं, तो वो उनके पार्टनर आपके सामने कभी भी आ सकते हैं और कहीं भी, कुछ लोगों के बस में मिल सकते हैं, कार में मिल सकते हैं, या फिर कहीं ट्रैवल करते हैं अचानक से आपके पार्टनर आपको टकरा जाएंगे,
24 घंटे 48 घंटे के भीतर या 72 घंटों के भीतर, 3-4 दिन के भीतर आपके पर्सन आपको मिलने वाले हैं, अचानक से मिलेंगे। आपको विश्वास भी नहीं होगा कि आपके पर्सन आपको मिलने वाले हैं, पर अचानक से आपका उनका कॉन्टेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके। ये तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इशू, कुछ लोगों के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इशू चल रहा है, दिक्कत चल रही है, कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा है। ओके, कुछ लोगों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा डीप वाला जा रहा है कि समझ नहीं आ पा रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा दिक्कत आ रही है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है आसपास के लोगों की वजह से। कुछ लोगों ने ब्लैक मैजिक भी करा है आपके कनेक्शन में, जिससे आपके पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन ख़राब हो जाए। ओके, पर कुछ लोगों का कनेक्शन सुधरने का नाम नहीं दे रहा है, बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है, अब कोई उम्मीद नहीं बची है। कुछ लोगों के पार्टनर ने कर शादी के लिए रिश्ता फिक्स हो गया है, शादी हो सकती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डीप वाला कनेक्शन चल रहा है, बहुत अच्छा कनेक्शन चल रहा है, बट अब नेगेटिव कनेक्शन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन से आप कनेक्शन सही करना चाह रहे हैं पर कुछ सही नहीं हो पा रहा। कैंडल देखिए किस तरह से जल रही है, बिल्कुल अजीब सा मोड़ ले लिया है कैंडल ने, कि अब आपके नेगेटिविटी ब्लैक 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 दिखाई दे रहा है बस मुझे, कि इतना ज़्यादा बेकार कनेक्शन हो रहा है कि अब सारी उम्मीद आप छोड़ रहे हैं कि क्या होगा कैसे होगा। और कुछ लोग ना भाग कर शादी वादी करने का भी सोच रहे हैं, बट उससे आपका रिश्ता और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। फैमिली मानने को तैयार नहीं है, क्या करें क्या ना करें, आसपास के लोगों ने आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है ये भी नज़र आ रहा है। कुछ भी सही होने का नाम नहीं ले रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है कनेक्शन, नेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत ज़्यादा। या तो आपके पर्सन से कुछ नेगेटिव चीज़ टच हो गई है आपसे, जिस वजह से आपका कनेक्शन एकदम से ख़राब हो रहा है। कुछ लोगों का इतना ख़राब हो रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे कि कैसे ख़राब हो रहा है, क्यों ख़राब हो रहा है। इतना ज़्यादा डीप वाला कनेक्शन था पर एकदम से कनेक्शन आपका ख़राब हो रहा है, बनती बनती चीज़ें बिगड़ रही हैं, कुछ भी समझ नहीं पा रहा है, हर्टिंग इशू है, नेगेटिव इशू है, दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा डीप वाला कनेक्शन ख़राब हो रहा है आपका। एकदम से सारा ही ब्लैक ब्लैक नज़र आ गया, मतलब कि बहुत सारा ब्लैक मैजिक का भी इस्तेमाल करा गया है, या तो आपसे कुछ नेगेटिव चीज़ टच हो गई आपके पर्सन से, जिसकी वजह से सारा रिश्ता आपका ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा डीप वाला दिक्कत दिखाई दे रही है। ओके, बट ये दिक्कत सही हो सकती है कि बहुत ज़्यादा डीप वाली दिक्कत है, तो नज़र उतरवाइए। आपको और आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा नज़र लगी हुई है आसपास के लोगों की। ओके, देखिए आवाज़ भी आ रही है कैंडल की। ओके, तो बहुत ज़्यादा तो नज़र उतरवाइए, और कुछ लोगों के पेरेंट्स भी नहीं मान रहे हैं शादी के लिए। ओके, पर हो जाएगा आपका काम। ओके, आपके पर्सन से आपका रियूनियन जल्दी हो सकता है, और आपके पर्सन और आपका रिलेशनशिप में नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी यहाँ पर दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला कनेक्शन चल रहा है। जो इस पूरी वीडियो तक देख रहे हैं उनका कनेक्शन में बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है। ओके, यही थी हमारी आज की कैंडल वैक्स। अब थोड़े से ओरेकल कार्ड्स के थ्रू भी आपका कनेक्शन देख लेते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला कनेक्शन है आपका। ओके, देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में इस समय क्या सोच रहे हैं। नमः सदम ओंकार नमो नमः। आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, डिवाइनली एक्शन लेना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, सॉरी एस ऑफ कप्स का कार्ड है कि आपके एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, सबको सही करना चाहते हैं, डिवाइनली एक्शन लेना चाहते हैं, ऊर्जा देना चाहते हैं इस कनेक्शन को। वॉन्ड्स क्या होता है? ऊर्जा। इस कनेक्शन को ऊर्जा देना चाहते हैं, इस कनेक्शन को सही करना चाहते हैं। ओके, और क्या मैसेज है? आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं? आपके पर्सन से आपका लड़ाई हो रही है, मतभेद हो रहा है आसपास के लोगों की वजह से। फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आसपास के लोगों की वजह से आपके कनेक्शन बिगड़ रहा है, बहुत ज़्यादा दूरियां आ रही हैं, कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इशू भी हो रहा है। आपके पर्सन से आप कुछ बोलने जा रहे हैं, एकदम से आपके पर्सन आपको उल्टा जवाब दे रहे हैं, भड़क रहे हैं आपका, तो आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला चल रहा है आसपास के लोगों की वजह से। ओके, बट इस कनेक्शन में आप लगे रहे अपने पार्टनर के साथ, तो ये कनेक्शन आपका लाइफ टाइम के लिए भी हो सकता है। बहुत अच्छा कनेक्शन है आपके पर्सन के साथ, अगर ये कनेक्शन में अप्स एंड डाउन्स में आप अपने पर्सन का साथ देंगे तो कनेक्शन लाइफ टाइम के लिए भी हो सकता है। देख लेते हैं कुछ थर्ड पार्टी रिमूव कब तक होगी मेरे व्यूअर्स की लाइफ से। ओके, अभी तो नहीं हो पा रही है, करना चाह रहे हैं थर्ड पार्टी रिमूव आप और आपके पर्सन, पर हो नहीं पा रही है, रुकावट आ रही है, अटका हुआ है कनेक्शन। ओके, चंद्रमा ही उल्टा पड़ रहा है। ओके, टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो चंद्रमा ही उल्टा पड़ रहा है। कोई भी सही करना चाह रहा है आपके पर्सन, रिमूव करना चाह रहे हैं, पर रिमूव नहीं हो पा रहा है कुछ भी। ओके ओके,
मैच्योरली एक्शन लेंगे आपका और आपके पर्सन तो जल्दी थर्ड पार्टी रिमूव आपके कनेक्शन से हो जाएगी. ओके, मैच्योरली एक्शन लीजिए एंड बिल्कुल आपके पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर थर्ड पार्टी की वजह से आपकी कनेक्शन एज सच नहीं चल पा रही है, ग्रोथ नहीं हो पा रही है. आपके पर्सन और आपको कहीं ना कहीं बिजनेस में जॉब में लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आपका दोनों का कनेक्शन अच्छा नहीं हो पा रहा है थर्ड पार्टी की वजह से, फैमिली की वजह से, रुकावटों की वजह से, जिसकी वजह से आप दोनों का बिजनेस में जॉब में ध्यान भी नहीं लग पा रहा और फाइनेंशियली लॉस भी आपको झेलना पड़ रहा है. देख लेते हैं आपके पर्सन का आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग कैसी है आपके पर्सन के आपके लिए. ओके, आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग हैं, गलत लोग हैं. ओके, फोर ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड है. आपके पर्सन आपको समझ रहे हैं कि आसपास के लोग थोड़े नेगेटिव हैं, गलत हैं, जिसकी वजह से आपका और आपके पर्सन का रिश्ता खराब हो रहा है. तो गलत लोगों से दूर हटकर आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे, आप उनकी तरफ, तभी आपका रिश्ता ग्रो हो पाएगा. ओके, नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक का मैंने दिखाया था. ओके, कैंडल वैक्स में भी और यहाँ पे भी कि आपके और आपके कनेक्शन पर कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक का असर है. क्या तो किसी ने कुछ करा है, ये तो आपसे कोई नेगेटिव चीज टच हो गई है आपके पर्सन से, जिसकी वजह से आपका कनेक्शन ग्रो नहीं हो पा रहा है. बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है. ओके, तो नेगेटिविटी का भी असर आपके कनेक्शन पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे. ओके, आपके पर्सन आपकी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं, सब कुछ सही करना चाहते हैं, रिश्ता ग्रो करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की वजह से, आसपास के लोगों की वजह से आपका कनेक्शन अच्छा नहीं हो पा रहा. आसपास के लोग आपके पर्सन के बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं. ओके, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है. आसपास के लोग आपके पर्सन के बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, गलत लोगों से दूर हटकर आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, रिश्ता ग्रो करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, सब कुछ सही करना चाहते हैं. देख लेते हैं कुछ लोगों के पर्सन, देख लेते हैं क्या सबका ही नॉन कॉन्टेक्ट चल रहा है, कुछ का अच्छा भी चल रहा है कुछ, ये भी बताइए. ओके, कुछ लोगों के पर्सन ना पुरानी बातों को लेकर बैठे हुए हैं, पुरानी बातों को लेकर बैठे हुए हैं और कुछ भी सही नहीं हो पा रहा है. और कुछ लोगों के पर्सन जल्द से जल्द रिश्ता ग्रो करना चाहते हैं आपके साथ, शादी करना चाहते हैं. और जैसे ही आप दोनों का रिश्ता एक साथ जुड़ेगा, शादी होगी या कुछ भी आगे कदम बढ़ेगा आपके रिश्ते में, तो आपके रिश्ते में अबेंडेंस आनी शुरू हो जाएगी, रुपा पैसा बरसना शुरू हो जाएगा, हेल्थ वेल्थ दोनों चीज़ आपको मिलनी शुरू हो जाएगी आपके पर्सन के साथ. बहुत अच्छा कनेक्शन है, डीप कनेक्शन है. और किसी लेडी का आपके पर्सन की लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, या आपकी लाइफ में, आप लड़का भी हो सकते हैं लड़की भी, तो या अगर आप लड़की हैं तो किसी लेडी का आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल है, अगर किसी लड़के हैं आप तो आपकी पार्टनर का आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल है, और कोई लेडी का भी, ये भी नजर आ रहा है. देख लेते हैं आपके पार्टनर का चैनल मैसेज आपके लिए कैसे हैं. नमः सदम ओमकाराय नमो नमः. ओके, आई ऑलवेज नो यू आर माई अदर हाफ. आपके पार्टनर आपको हमेशा से आपके साथ पति पत्नी वाला रिश्ता मानते हैं, इतना प्यार करते हैं आपसे कि पति पत्नी ही मानते हैं आपको. भले ही आपको शादी नहीं हुई है, पति पत्नी वाला रिश्ता आपके साथ फील करते हैं. और क्या देखते हैं, आई डिड नॉट मीन टू हर्ट यू. आपके पर्सन आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, पास्ट में जो भी कुछ हुआ नेगेटिव हुआ, पर आपके पर्सन जो हैं वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे. ये भी आपको कहना चाहते हैं, भले ही आपको कहा ना हो पर मैसेज के थ्रू आपको कहना चाहते हैं. आई एम डीपली सॉरी डैट आई वॉक्ड अवे फ्रॉम यू. ये आपको दिल से सॉरी कहना चाहते हैं. कैसे शब्द थोड़ा अलग से बोल रहे हैं, वो आपसे सॉरी मांगना चाहते हैं कि जब आपको उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो वो आपसे दूर चले गए थे, उसलिए आपको दिल से सॉरी भी मांगना चाहते हैं. आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू एक्शंस. ये अपना प्यार आपको प्रूव करना चाहते हैं आपके पार्टनर, कुछ एक्शन करके, कुछ करके आपके लिए. ओके, तो डेफिनेटली प्यार तो करते हैं बट सॉरी भी मांग रहे हैं कि जब आपको उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जब आपको छोड़ के चले गए थे, आपका साथ नहीं दिया था फैमिली के लिए. कुछ लोगों की शादी हो चुकी है, कुछ लोगों के, मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है इंट्यूशन के थ्रू कि कुछ लोगों के पर्सन की शादी हो चुकी है और आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, भले ही वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए. ओके, देख लेते हैं. नमः सिद्धम ओंकाराय नमो नमः. एंजल्स आपके और आपके पार्टनर के कनेक्शन को लेकर क्या कहना चाहते हैं. नमः सिद्धम ओंकाराय नमो नमः. वेट करिए अगर आपके कनेक्शन के बीच थर्ड पार्टी है तो वो वेट करिए, हट जाएगी, ऐसा भी कहना चाहते हैं. और अगर आपके कनेक्शन में दूरियां चल रही थी वो भी वेट करिए, सही हो जाएंगी. नो कॉन्टेक्ट था वो भी सही हो जाएगा. और अगर आपकी कोई लड़ाई हो रही थी, मतभेद हो रहा था, वो भी सही हो जाएगा आपके पार्टनर के साथ, तो थोड़ा वेट करिए. एंड यस, डेफिनेटली हो जाएगा, जो हमने कहा है वो सब चीज़ हो जाएंगी. एंजल्स आपको कहना चाहते हैं यस डेफिनेटली, वो भी एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ कहना चाहते हैं, डेफिनेटली हो जाएगी वो चीज़ें. ओके,
और देख लेते हैं एंजल्स आपके और आपके पार्टनर के नक्षत्र को लेकर और क्या कहना चाहते हैं। नमस्तम नमस्तम ओमकार नमलम। ओके टू कार्ड्स एक साथ लुक फॉर अ साइन। ओके एक साइन एंजल्स आपको देना चाहते हैं जिसके थ्रू आपके कनेक्शन में कुछ बड़ा चेंज हो सकता है। नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट हो सकता है, थर्ड पार्टी रिमूव हो सकती है आपके कनेक्शन में। अगर आपके पर्सन के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, कोई बात विवाद हुआ था, कुछ गलत फहमी हुई थी, वो भी सही हो सकती है। एंड रिमेन पॉजिटिव, आप पॉजिटिव रहिए, ये तभी होगा और डेफिनेटली होगा क्योंकि एंजल्स ने भी कहा है, यस कहा है। ओके अब देख लेते हैं कि शिव काली जी के क्या आशीर्वाद आपके और आपके पार्टनर को मिल रहे हैं। ओके हर हर महादेव लिखिएगा कमेंट में शिव काली जी के लिए। जय मां काली और हर हर महादेव लिखे। देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं आपको शिव काली जी का। ओके ओके नीलकंठा जी का आशीर्वाद आपको मिल रहा है और कहना चाहते हैं ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन। ओके आप आशावादी बनिए, आपके पर्सन के साथ आपका कनेक्शन अच्छा हो जाएगा और जो भी आप सोचेंगे अपने पर्सन के टुवार्ड्स वो चीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और नीलकंठा जी का आपको आशीर्वाद मिल रहा है। हर हर महादेव लिखिएगा जिसको भी नीलकंठ जी का आशीर्वाद मिल चुका है। ओके भद्रा काली जी का आशीर्वाद मिल रहा है। अपनी आंतरिक अवेकनिंग को जगाइए, अपनी आंतरिक सोच को जगाइए, तभी आपका कनेक्शन ग्रो होगा। ओके अपने पर्सन से जो अगर आपका मतभेद हो रहा है आपके पर्सन के साथ, तो क्लियरिटी मांगिए अपने पर्सन से कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसे क्लियर करने के लिए कुछ ना कुछ आपको खोजना पड़ेगा। और अपने पर्सन से क्लियरली बात करिए, मन में दिल में कुछ मत रखिए, अपने पर्सन से डायरेक्ट बोलिए जो भी आपके मन में है, जागरूकता लाइए, तभी आपके पर्सन के साथ आपका कनेक्शन अच्छा होगा। ओके एक और कार्ड आया है चंद्रशेखर जी का, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक। ओके गुड लक का आशीर्वाद आपको मिल रहा है एंजल्स के थ्रू, ये है शिव काली के थ्रू। ओके दे रहे हैं चंद्रशेखर जी, मतलब कि शिव जी के अवतार दे रहे हैं कि आपको गुड लक दे रहे हैं। जो भी आपका कार्य हो, जो भी आप करने जा रहे हो, वो इस समय वो पूरा हो जाएगा, आपके कनेक्शन से रिलेटेड कुछ भी अच्छा हो जाएगा। ओके और वैसे भी गुड लक दे रहे हैं। ओके यही थी आज की हमारी रीडिंग। कैसी लगी आपको रीडिंग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। रेजोनेट हुई हो तो 517 ज़रूर लिखिएगा। जय माँ काली और हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। जय जिनेन्द्रा। कैसी लगी रीडिंग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टैरोट 517 वीडियो को।